नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और रोज नई वीडियो पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको गुलाब के बारे में कुछ महत्वपूर्ण और उपयोगी जानकारी देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, गुलाब जो है वो बहुत ही फायदेमंद होता है अपनी हेल्थ के से जुड़े मामलों में, और किस तरह से यह फायदेमंद है इस वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों, कान में दर्द होने पर गुलाब की पत्तियों के रस की थोड़ी बूंदे कान में डालने से कान के दर्द में राहत मिलेगी। गुलाब के अर्क में नींबू का रस मिलाकर दांत पर लगाने से दांत भी ठीक हो जाता है दोस्तों। जी हाँ, और दोस्तों इसके अलावा जी मचलाना, गले में जलन, सीने में जलन जैसे रोगों को दूर करने के लिए एक कप गुलाब जल, चौथाई कप संतरे का रस और चौथाई कप चूने का पानी में मिलाकर दिन में दो बार सेवन करने से दोस्तों आपको इन रोगों से निजात मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों, शरीर में जब जलन होती है या हाथ पैरों में जब जलन होती है तो गुलाब जल को चंदन में मिलाकर इसका लेप लगाने से भी आराम मिलता है। इसके अलावा खाना खाने के बाद गुलकंद खाने से हाजमा यानी कि मेटाबॉलिज्म भी ठीक रहता है। दोस्तों, अगर मुंह की बदबू को दूर करने के लिए गुलाब को इस्तेमाल किया जाए तो यह बहुत ही बेहतरीन साबित होता है। इसके लिए गुलाब के फूल, लौंग और चीनी को गुलाब जल में पीस कर गोलियां बनाकर इसको चूस सकते हैं। यह मुंह की दुर्गंध को दूर करता है। चंदन के तेल में गुलाब के अर्क को मिलाकर मालिश करने से शीत पित्त में भी फायदा मिलता है। सनाई की पत्ती को गुलकंद के साथ सेवन करने से अगर आपको कब्ज हो रही हो तो उससे निजात मिल जाएगा। अत्यधिक गर्मी लगने पर या जलन होने पर 5 इलायची, 10 ग्राम गुलाब की पंखुड़ी, 5 काली मिर्च और 10 ग्राम मिश्री को पीसकर हर 4 घंटे पर पिए, इससे आपको आराम मिलेगा। सफ़ेद चंदन पाउडर में कपूर और गुलाब जल को मिलाकर माथे पर लगाने से सिर के दर्द से राहत मिल जाती है। मुंह में अगर छाले हो रहे हों तो मुंह के छालों से निजात पाने के लिए सुबह सुबह गुलकंद का सेवन अवश्य करना चाहिए, इससे आपके मुंह के छाले प्रभावी रूप से समाप्त हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, लू लगने पर ठंडे पानी में गुलाब जल मिलाकर माथे पर पट्टी रखें। टीबी की बीमारी से होने वाली कमजोरी को दूर करने के लिए गुलकंद का नियमित सेवन करने से कमजोरी ठीक हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों, अगर माइग्रेन के दर्द में 12 ग्राम गुलाब जल में 1 ग्राम असली नौसादर को मिलाकर अच्छे से मिलाकर हिलाएं और इसकी 4-5 बूंदे नाक के अंदर खींचें। दोस्तों, ऐसा करने से माइग्रेन का दर्द ठीक हो जाता है और आपको किसी भी सिर दर्द से छुटकारा आसानी से यह दिला सकता है। तो दोस्तों, देखा आपने किस प्रकार गुलाब कितना अहम होता है हमारे हेल्दी जीवन के लिए और किस प्रकार यह फायदेमंद होता है और फायदा पहुंचाता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरी यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें ऐसी ही रोज़ नई वीडियो पाने के लिए। धन्यवाद।